ये देखो भाई, बर्फ से बना हुआ ब्रिज, चलो पार करके चलते हैं फिर हम उस तरफ। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। अंकल कपड़े वगैरह पहन रहे थे मेरे रूम में, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं, बोला नहीं। रूम आपने देख लिया, बेसिक सा रूम है, बड़ा महंगा मिला है चाइना के हिसाब से भाई, 1500 रुपये पर दिन का हॉस्टल। मैं बताऊँ चाइना के हिसाब से बहुत महंगा है ये, चाइना में बढ़िया वाले 700-800 मिल जाते हैं। तो आज हमारा प्लान है भाई आइस एंड स्नो फेस्टिवल जाने का। अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। मैं इतने बजे क्यों उठा, क्योंकि पहली बात तो लोग रिकमेंड करते हैं आइस एंड स्नो फेस्टिवल आप जाओ, मतलब दोपहर सी में, ये मान लो 2:30 से 3 बजे के बीच में वहाँ पे पहुँचो आप। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप सुबह भी देख पाओगे क्या चल रहा है वहाँ पे, और शाम को भी देख पाओगे। प्लस सुबह सुबह में निकलता तो भाई सुबह -22-25 हो रहा था, अभी -17-18 पे आया है, तो थोड़ा सा बेटर हो गया है। देख रहे हो आप कपड़े कैसे पहन के घूम रहे हैं लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये कुछ में आ गया हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं, 12:30 हो रहे हैं, अभी भी हमको जाना तो है नहीं वहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे सबसे पहले इंडियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट आपके भाई ने ढूंढ निकाला है, और वहीं पे जाएंगे हम इंडियन रेस्टोरेंट। थोड़ी ना रशिया से कम फील आती है यार चाइना में ठंडी जगहों में भी चलने में, पूछो क्यों, क्योंकि ये लोग बर्फ़ बिल्कुल साफ़ कर देते हैं यार, अब पता नहीं गिरी नहीं है या साफ़ ही कर दी, बिल्कुल पिघल तो सकती नहीं, खैर इन्होंने साफ़ ही कर दी। चलो बस बस लेनी है, मैप वैप देख के इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचता हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है इस सिटी के बारे में, मैं आपको ना अलग से घुमाऊंगा, 2-3 दिन है हम इस सिटी में, आज भी हैं, कल भी हैं और परसों शाम तक हैं, तो 2 दिन आराम से घुमा दूंगा। आज हम सिर्फ घूमेंगे आइस एंड स्नो फेस्टिवल। तो भाई ये हार्बिन का मेट्रो का है, और ये वाला सबसे ज़्यादा मॉडर्न लगा जो अभी तक मैंने चाइना में देखा है, हार्बिन मेट्रो। और यहाँ करते हैं भाई इंग्लिश, और हमको जाता है, देखो भाई ये आ गया ना, हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, 5 युआन की टिकट है, काफ़ी दूर है स्टेशन। भाई अभी तक की सबसे मॉडर्न मेट्रो देखी है मैंने ये, यहाँ पे फेस डिटेक्शन का भी लगा हुआ था, पता नहीं क्यों है वो, फालतू ही है वो तो। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबसे मॉडर्न लग रही है मेरे को मेट्रो। और आईफोन भाई जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हैंग हो गया, आईफोन के नए आईफोन में दिक्कत नहीं है, ये आईफोन के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई है नए वाले में, कि मतलब कैमरा मेरा कम से कम 100 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो 3 से 5 बार हैंग होता है, इसलिए कह रहा था मैं मॉडर्न मॉडर्न है ये। अब इसमें ये 6 डब्बे आ रहे हैं ना, तो इसमें दिखा रहा है कि किस डब्बे में कितने लोग बैठ के आ रहे हैं, इनमें कम आ रहे हैं, येलो आ जाएगा मतलब थोड़े से ज़्यादा हो गए, लाल आ जाएगा तो और ज़्यादा हो गए। तो देखो नेक्स्ट ट्रेन 1 मिनट बाद, सेकंड ट्रेन 7 मिनट, थर्ड ट्रेन 14 मिनट, सब लिखा हुआ है भाई। अच्छा यार, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। अपना अगला स्टेशन आ गया आइस एंड स्नो वर्ल्ड, मेट्रो में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई, लिखा भी है हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड। चलो निकलते हैं बाहर, और बच्चे भी आ रखे कई, मेरे को देख के खुश हो रहे थे मेट्रो में, वो जो आगे जा रहे हैं, देखो ना कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं सब लोगों ने यहाँ पे। भाई यहाँ लिखा है आइस एंड स्नो वर्ल्ड, एग्जिट 4 पे है, पर पता नहीं भीड़ यहाँ लगी हुई एग्जिट 2 और 3 पे, एग्जिट 4 तो उस तरफ है, चलो हम उस तरफ चलते हैं, क्या पता इन सबको जाना ही ना हो, यहाँ रहते हो ये, पर ये मेन स्टेशन तो फेमस ही उसलिए है भाई, चाइनीज लोग पागल नहीं है, यहाँ मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ लिया, इस पे लिखा आइस एंड स्नो वर्ल्ड एग्जिट 3 से जाओ। चलो भाई एग्जिट 3 से चलते हैं, सारे इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, सब लोग उसी चीज़ के लिए आए हैं, सारे टूरिस्ट हैं। देखो भाई मेट्रो स्टेशन पे लिखना इन्होंने शुरू कर दिया हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड के बारे में, भी सारा चाइनीज में लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे दिखाने लग रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया था, देखो आइस के पूरे ब्रिक्स लेके आते थे ये, देख रहे हो आप, और सब कुछ बता रहे हैं कैसे बनाया। देखो ये मिलेगा हमको आज, 25th फेस्टिवल है, देखो भाई कितना बड़ा है, ये सब असली में देखेंगे अभी हम बाहर जाके। और हर साल मेरे हिसाब से थोड़ा अलग अलग बनाते होंगे, क्योंकि हर साल ही बनाना पड़ता है, तो हर बार थोड़ा अलग बना देते होंगे। ये सब लोगों ने मिल के बनाया, 1000 से ज़्यादा वर्कर्स ने। भीड़ देखो भाई आप, मैं तो खैर आखिरी हूँ लगभग, मतलब ये मान लो 5 मिनट से भीड़ निकले ही जा रही है मेट्रो में, और जाए जा रहे हैं लोग। सोचो यार हार्बिन जो सिटी पूरी दुनिया ने सुनी भी नहीं होगी, वो एक चीज़ की वजह से इतनी फेमस हो गई। भाई इनको देख के आप समझ जाओ कितनी तेज़ हवा चलने लग रही है, और मेरी हो गई हालत ख़राब यहाँ पे,
-19 फील लाइक हो रखा है। और भाई ये पहुंच गए मार्बिन स्लो फेस्टिवल में। भाई अभी तो हमने एंट्री करी भी नहीं है, मतलब अभी तो टिकट भी नहीं खरीदी हम लोगों ने। और ये देखो यहाँ पे बर्फ की ये चीजें बना के इन्होंने रख रखा है, वहाँ पेप्सी की बोतल है बर्फ की बनी हुई। और बिल्कुल सही टाइम पे आए हम, और यहाँ फोटो खिंचवाने लग रहे थे। सारा का सारा ये सब कुछ बर्फ से बना हुआ है। टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं, चलो आपको ले जाके। ये आ गया भाई थर्मामीटर। मैं तो आप लोग कहीं सोचो झूठ बोल रहा था, यहाँ तो -23 दिखा रखा है। गूगल तो पता नहीं गलत बता रहा है क्या बता रहा है, या फिर आज का लोवेस्ट होगा ये, पता नहीं क्या है। टाइम देख लो 3:10, लाइन देख लो और कितनी ज़्यादा है, भीड़ देख लो और कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो टोपी ओपी बेचने लग रहे हैं कि अंदर जाओगे ठंड लगेगी, यहाँ से ही खरीद लो। पर हम हैं इंडियन, हम नहीं खरीदेंगे। मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास है भाई पहले से। ये देखो भाई यहाँ पे बैरिकेड्स भी बर्फ के सिल्ली के बना रखे हैं। वो देखो सारे बैरिकेड जितने भी सारे बर्फ से बने हुए हैं। ये हम आ गए अब ईस्ट टिकट हॉल में। काफी सारे एंट्रेंस होंगे, बहुत ही बड़ा यार, इसको शहर कहते हैं पूरा, इतना बड़ा है ये। वैसे तो अम्यूजमेंट पार्क है, अगर सच बताऊं तो दरी बिछा दी यहाँ पे ताकि लोग फिसले ना, पर पूरे का पूरा शहर है ये एक तरह से, इतना बड़ा है। टिकट का प्राइस है 328 अडल्ट की और डिस्काउंटेड 240, पता नहीं डिस्काउंट विस्काउंट क्या है। 328 की टिकट है भाई। ये अपनी आ गई टिकट 328 yuan, मतलब लगभग आप ये मान लो ये टिकट मेरे को पड़ी है 4,4100 रुपए करीब की। अब देखो एंट्री की लाइन कितनी बड़ी है भाई वहाँ पे। भाई सब लोग कितने एक्साइटेड है यार अंदर जाने के लिए। मैं भी। ओ भाई ये क्या है भाई, ओ भाई ये क्या है भाई, भाई भाई यहाँ पे पूरा वो लगा हुआ है मैप, कितना बड़ा है आप ये देख सकते हो, पता नहीं कितने हजार स्क्वायर मीटर में है भाई, मैंने सब पढ़ा था मैं सब भूल गया। ये देखो भाई कितना बड़ा है, वो फेरिस व्हील है वहाँ पे, मेन स्क्वायर है, बहुत ही बड़ा है यार भाई। शायद यहाँ पे पूरा गेड़ा लगवाने के लिए, जिसको सर्दी में नहीं घूमना उसके लिए ट्रेन भी है, फ्री नहीं है भाई बिल्कुल भी, इसके पैसे लगेंगे। इन्होंने देखो वी चैट का डाल रखा है ना गले, मतलब पैसे लेंगे भाई। यहाँ देखो बर्फ ही बर्फ, यहाँ यहाँ साफ नहीं करा इन्होंने। ये देखो भाई ये लिखा है 25th हार्बिन फेस्टिवल, जहां तक मेरा आइडिया है ये लिखा है, क्योंकि इस बार जो फेस्टिवल हो रहा है 25th आइस एंड स्नो फेस्टिवल है। 1999 में इन्होंने शुरू किया था ये फेस्टिवल स्टार्ट, मतलब ये बर्फ से ऐसे बनाना। भाई आप सुन के हैरान हो जाओगे कि 25 साल पहले शुरू किया था, और हर साल ये लोग कम से कम 4,000 करोड़ रुपए, मतलब $500 मिलियन ये पूरा बर्फ का बनाने में खर्च करते हैं, $500 मिलियन। और ऊपर से ये जो सारे बर्फ वगैरह के ये जो पूरे सिल्ली लेके आते हैं, ये नदी में से लेके आते हैं, 1,000 से ज़्यादा वर्कर्स लेके आते हैं। और भाई 1 महीने 1.5 महीने पता नहीं कितना टाइम लगता होगा यार ये सब बनाने में। यहाँ देखो फिसलने वाला आ गया, वो भाई गिर जाऊँगा यार। यार कोई साथ होता तो क्या मस्त मस्त वीडियो बनती ना। देखो भाई लोग क्या क्या करने लग रहे हैं, लोटपोट ही हो गए भाई, बड़ा मजा। ओ देखो देखो भाई भाई देखो, काश कोई होता मेरे साथ, ये टिकटॉक बना रहे होंगे पक्का। यार मजा आता, मस्त मस्त फोटो आती यार, बर्फ की पूरे टुकड़े रख रखे हैं यार, क्या बना दिया यार इन लोगों ने। नीचे में तो चलने के लिए बुरी बर्फ रख रखी है, वरना ऐसी सिल्ली रख देंगे ना तो फिसलते रहेंगे लोग। देखो भाई क्या चीज है भाई ये, और रात को तो भाई पूरे में लाइटें वाइटें जलेंगी, वो सब भी देखेंगे हम। ये देखो भाई बर्फ से बना हुआ ब्रिज, चलो पार करके चलते हैं फिर हम उस तरफ। ओहो बंद कर दिया इन्होंने ब्रिज, मे भी इस पे से ज्यादा लोग फिसल रहे होंगे, बस मतलब या तो दिखाने के लिए होगा, वरना टूट जाएगा ना लोगों के वेट से, सब लोग चढ़ जाएंगे, टूट जाएगा लोगों के वेट से, इसलिए लोगों ने मतलब इन्होंने बंद कर दिया। ब्रिज के अंदर से वर जा सकते हो आप भाई।
यहाँ देखो क्या चल रहा है, मस्त फिसल सकते हो भाई आप। ओ भाई गिर गया था मैं, बस मैं भाई इसी में चलता हूँ। बहुत ही ज्यादा मजेदार है भाई ये तो, देखो पूरे ओ भाई अभी भी चलता। लो भाई जिसको बर्फ देखने का सपना पूरा करना है ना, वो यहाँ आके कर लो भाई। और सोचो स्नोफॉल में तो कितना ही मस्त लगता। और लाइटें वाइटें जलनी शुरू हो गई हैं थोड़ी, मतलब आधे पौने घंटे में सब कुछ सही होने लग जाएगा लाइटें वाइटों का भी। चलो इस ब्रिज के अंदर से चलते हैं। मैं यार अगर कोई होता ना मेरे साथ फिसलते हुए जाता मैं। ये भाई छोटे वाली स्लाइड है, देखो एक बड़े वाले भी है, मैंने सुना उस पे दो दो घंटे लाइन लगती है, ये तो छोटे वाली है। ओ भाई मस्त है ये तो। अरे लोग खड़े हो गए क्यों आ रहे यार, बड़े पागल हैं। अरे यार मजे करो, यही वाली है शायद वो बड़ी वाली स्लाइड, यहाँ चलते हैं भाई। ये देखो ये अलग ही टाइप की साइकिल ले रहे हैं, नीचे स्कीइंग वाले लगे हैं और ये इसलिए है। ओ भाई मजा आ रहा है। ये देखो इसलिए आया था मैं हार्बिन, पीछे बच्चा बांध लिया, अपने साइकिल रेंट ले ली और लाइटें जलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से स्लाइड की एंट्री भाई, कहीं से चलते हैं। टॉयलेट वगैरह सब बना रखा है वहाँ, टॉयलेट वगैरह भी है भाई। कहीं कहीं से घूम घाम के मैं चढ़ के इस गलियारे में आया हूँ ऊपर। अब यहाँ पे लोग फोटो खिंचाने लग रहे थे कैसे कैसे पोज करके भाई। तो अब चलते हैं, वहाँ है वो स्लाइड। ये बच्ची देखो भाई पूरी पैक हो रखी है, यहाँ से दीवार बना दी तो लोग कूद कूद के आने लग रहे हैं इस स्लाइड पे जाने के लिए। भाई मैं भी आ गया, वो शायद वेट कर रहे हैं। ओ चार लेने भाई चलो। ओ अगर पीछे से कोई तेज आ गया ना सबको ले जाएगा और दांत फांत भी टूट सकते हैं। मजेदार भाई, आ ना जाए कोई पीछे से, ना नहीं आ रहा भाई। इतने अच्छे थे, मेरी कम से कम भी 20-25 फोटो खींच के चले गए भाई। मैंने एक फोटो कही थी, भाई ने 25 खींची है। इतने अच्छे थे ना कि मैंने कहा एक फोटो खींच दो, मैंने कहा सूरज आ जाए पीछे का, कहते सूरज सब ले लूंगा मैं 25 फोटो। मैंने कहा अरे रुक जा भाई, कहता नहीं और खींचूंगा मैं, तेरी और खींचूंगा। इतने बढ़िया चाइनीज लोग हैं भाई, सारे मजेदार, मजा आ गया भाई मेरे को यहाँ पे आके। और मैं ही अकेला फोटो, ये देखो ना इसमें कितना मजा आता है कि मैं कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा मुंह जलना शुरू हो चुका है क्योंकि अब टेम्परेचर गिरता जाएगा जैसे जैसे रात होती जाएगी। पर हम लाइट शो यहाँ का देख के जाएंगे क्योंकि अब लाइटें जलनी शुरू हो चुकी। और ये देखो ऐसा नहीं है कि लाइट मतलब बाद में लगाई है, लड़ी लगा दी, इनके बीचों बीच अंदर बर्फ की सिल्लियों के लाइट फिट कर रखी है। ये ऐसे ब्लिंक नहीं कर रही, वो मेरे कैमरे के मतलब फ्रेम्स की दिक्कत है, ये ऐसे ब्लिंक। अरे भाई ये क्या आप लोगों को तो भाई ऐसे ऐसे दिख रहा होगा तो दिवाली की लड़ी झपक रही हो, पर झपक एक भी लाइट नहीं रही है। शायद दोबारा कैमरा चलाऊंगा तो सही हो जाएगी भाई, ऐसे नहीं है यार, ये तो कॉमेडी लग रहा है कैमरे में तो। भाई छोटे छोटे खाने के बूथ वगैरह भी लगा रखे हैं इस पे, ये पता नहीं क्या मिल रहा है भाई, मेरे को तो समझ से बाहर है कि इतने -25 में भी कोई खाना ऐसे खाने लायक हो सकता है, दांत ही टूट जाएंगे मेरे को तो लग रहा है। बर्फ के बीचों बीच देखो बीच हट के कितना सही लग रहा है ना, पूरा शहर बड़ा ही प्यारा लग रहा है भाई। ये देखो अब सही दिख रहा है आपको है ना, अभी झपक झपक नहीं हो रही, पर मुंह सूख रहा है मेरा तो। और एक सेकेंड आ हा, क्या है ये चीज भाई, क्या है ये चीज, देखो इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, बहुत ही बड़ी है भाई। मैं तो अभी पूरी घूम भी नहीं पाया, इस किले के अंदर चलते हैं भाई। अब उस स्लाइड पे से आया था, अब इस किले के अंदर चलते हैं। वर्थ है यार, वर्थ हो गया अपना भाई। लास्ट वास्ते में गोंजाव जाने वाला था, कहाँ गोंजाव में जाता और कहाँ यहाँ मजे करने लग रहा यार इस चीज़ में। मेरे को तो अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि मैंने सही फैसला लिया बिल्कुल। और इनकी फोटो का वेट करते हैं हम, ये ले लें मेरी इन्होंने, क्योंकि ये लोग हमारे लिए फोटो का वेट करते हैं, हम भी करेंगे, अच्छे लोग हैं। ओहो ये देखो डांस भी करने लग रहे हैं, टिकटॉक ठीक है अपना अपना है, हम यूट्यूब या टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम, अब तो इंस्टाग्राम पे भी धूम मचाएंगे हम। रील देखना भाई, मस्त मस्त बनाई है मैंने आइस फेस्टिवल के जाके, लाइक करनी है आप लोगों को।
और मेरे को फॉलो करना है, ठीक है। मेरे को रील वाले बंदे, मतलब जो रील से आते हैं वायरल रील से, वो पसंद नहीं है, तो मेरे को आप फॉलोवर्स चाहिए। तो यूट्यूब पे मेरे को देखते हैं, वो इंस्टा पे भी देखें, तब मज़ा आता है। ये बात मज़ा आ गया भाई मेरे को यार, इतना मज़ा मेरे को लगता, मेरे को आज तक किसी एम्यूजमेंट पार्क में आया हुआ। डिज्नीलैंड फिजनीलैंड सब फेल है भाई इसके सामने। ये होती है चीज़ जो चाइना ने बनाई है। ये देखो भाई उस झूला, वो चल रहा होगा तो आपको शायद पूरा व्यू मिलेगा, पर अभी शायद चल नहीं रहा है वो झूला। और देखो तो भाई यहाँ अब जलनी शुरू हो चुकी है लाइट। अब मैं फ़ोन को थोड़ी देर अंदर रखता हूँ, क्योंकि शायद अब ना भाई रात को ही दिखाऊंगा मैं आपको। दिन में तो मैंने आपको सारा दिखा दिया लगभग, और ये रात, मतलब रात को क्या पता जब जब करनी बंद कर दे। पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट लगा रखी है, जो मतलब किसी कैमरे में, सबके कैमरे में देख लिया ऐसी आ रही हैं भाई। थोड़ी थोड़ी मूछों पे बर्फ़ से भी आ गई है, -30 के करीब आ जाती है, 25-30 के करीब कौन में आ गई थी, यहाँ थोड़ी कम आई है अभी। देखो कितना आगे ले गए उसको, सीढ़ियों पे से फेंक दिया भाई। यहाँ से देखो नज़ारा, ऑरेंज कलर का, पिंक, ब्लू, पर्पल, इस तरफ ग्रीन भी था। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, खैर भाई ऐसी कमा रहे 16,000 करोड़ भीड़। देखो आप कितने जने दिख रहे हैं आपको, और नॉर्मल डे है, सोचो न्यू ईयर वाले दिन कितने आएंगे। या 18 दिसंबर को खुला था, और मे भी एक महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद बंद हो जाएगा। अभी परफेक्ट टाइम है आने का, ठंड भी अप्रोप्रिएट है। देखो यहाँ किसी और तरह की साइकिल चलाने लग रहे हैं, और धप धप भी नहीं हो रही भाई, सही है। भाई देखो वहां पे कुछ और है अब, और ये देखो कैसी जगह दिखाई भाई आप लोगों को, बताओ कमेंट करके, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। हाँ मुश्किल से मुश्किल भाई 25 डिग्री में ये लास्ता वाले ग्लव पहन के घूम रहा हूँ। अंदर तक ठंड फील हो रही है, इतनी ठंड हो रही है। ये वाले ग्लव कैपेबल नहीं है, ये मतलब -5-7 तक ठीक है, पर मैं थोड़ी देर में जेब में हाथ डाल लेता हूँ ना, फिर ठीक हो जाता है। मतलब हर 5-7 मिनट में एक बार जेब में हाथ डाल लो तो ठीक हो जाता है। पर है कैसा है बताओ, है वर्थ था ना 4,000 रुपये दोगे, पर वही बात है यार यहाँ तक आना ही बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा, है तो आसान, पर पैसे बहुत लग जाएंगे। एक तो अभी इंडिया से डायरेक्ट चाइना फ्लाइट चलनी है, आप मान लो चाइना आ भी गए, हांगकांग आ सकते हो, हांगकांग से फिर बीजिंग आ जाओ, फिर हारबिन आ जाओ। मैं भी हांगकांग से डायरेक्ट हारबिन की फ्लाइट भी चलते हो, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि 100-150 फ्लाइट तो आती है इनमें हारबिन के एयरपोर्ट पर, महंगा बहुत पड़ जाएगा आपको यहाँ तक आना। टिकट तो मेरे हिसाब से डिज्नीलैंड वगैरह से बहुत कम है इसकी। और भाई डिज्नीलैंड वगैरह तो मतलब एक बार बना के ख़त्म कर दिया ना, ये हर साल ये लोग बनाते हैं $500 मिलियन खर्च करके। ये जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं ना, ये देखो कैसी है, इसके अंदर बुलबुले से भी दिख रहे हैं, और ये नदी में से लेके आते हैं लोग हर साल नदी में से, तो कैसे अंदर जम गया यार, है ना। देखो भाई सन हो चुका है सेट, इसलिए मैं कह रहा था कि 3 बजे लगभग सही टाइम आने का, सन सेट से 1 घंटा पहले आ जाओ। 4:10 हो गए, सनसेट होने वाला है बस, और फिर आप रात का भी 1.5 घंटा इंजॉय करके वापस अपना घर। कौन 10 बजे तक कौन रुकेगा यहाँ पे, 10 बजे तक रुकने की चीज़ नहीं है, मर जाओगे ठंड में। भाई ये वाली स्लाइड मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें तेज आ रहे हैं लोग, क्योंकि छोटी है वो, ज्यादा बड़ी थी ना लोग वेट नहीं कर रहे थे, देखो ऐसे आ रहे हैं, मस्त आएगा भाई। भाई इसमें ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना, वैसे तो नॉर्मल स्पीड में आ जा रहे हैं, पर मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि इनकी मतलब थोड़ा कोट लंबे है ना, तो कोट से मतलब फिसलन ज्यादा होती है, फिर कई लोग वो गत्ते नीचे रख के फिर आ रहे हैं, बहुत तेज आ रहे हैं वो तो। भाई एंट्री से ज़्यादा लंबी लाइन ना टॉयलेट के लिए है, ये किस चीज़ की लाइन है पता नहीं, टॉयलेट के लिए होगी, वहाँ से निकलने का है, अब वहाँ से जा भी रहे हैं लोग, फिर लोग लाइन में क्यों खड़े हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है अंदर। मतलब लोग गर्म होने के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत गर्म है, मैंने पढ़ा था रिव्यूज़ में कि अंदर खड़े हो सकते हो। अच्छा ये तो सिर्फ टॉयलेट के लिए है, ये अंदर खड़े हो सकते हो आप। भाई अब हो गई रात, और ये कलर देख लो, ये कैमरा पता नहीं क्या करता रहता है, सारे भाई चारों तरफ देखो देखो, क्लिक करता हूँ मैं 1 सेकंड, अब सही आएगा। देखो भाई सारे सब जगह लाइट ही लाइट है, क्या मस्त लग रहा है भाई। ये देखो भाई
भाई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लाइट्स इन्होंने दीवारों में लगा रखी है भाई, फ्लोर्स में लगा रखी है, बल्कि कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे चल रहे हैं लोग वहां पे भी लाइट्स अंडरग्राउंड लगा रखी है। मतलब ये देखो इन बर्फ पे भी लगा दी फ्री फोकट में, लगा दो चलो कोई नहीं थोड़ी बहुत, मतलब रात को भी लोगों को इंजॉयमेंट देनी थी, वरना सनसेट यहाँ पे 4 बजे हो जाता है, 4 बजे वरना खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं दिखता। अब देखो रात को अलग ही माहौल बन गया है, ये देखो यहाँ पे लोगों के फिसलने के लिए है ना ये, तो यहाँ पे भी लाइटिंग कर दी भाई। क्या करा है यार, क्या करा है चाइना ने भाई। बस ये ब्रिज नहीं खोल रखा क्योंकि वो ब्रिज नीचे से निकलने के लिए है ना, ऊपर वेट ज्यादा हो गया सब कुछ नीचे आ जाएगा वरना। भाई मान गए यार, आप लोग माने या फिर नहीं माने बताओ, ऐसा कोई देश कर पाया? कनाडा में इतनी ठंड होती है, रशिया में होती है, कोई देश नहीं कर पाया, किसी ने सोचा भी नहीं कौन इतनी मेहनत करेगा, पर चाइना ने कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ में कैसे लगा रखी है, हर बर्फ के पीस में ऊपर लाइट लगा रखी है, ऊपर से थोड़ा सा काट के देखो हर पीस में भाई, जहां जहां लाइट है हर पीस में इन्होंने काटा है, बीच में से देखो पूरा वो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ना, देखो भाई कितनी मेहनत कर रखी है भाई, कितनी मेहनत। तो भाई रात की मेन मेन अट्रैक्शन में आपको दिखा देता हूँ, एक वो कैसल है, एक ये वाला कैसल है भाई पिंक ब्लू कलर का, फेरिस व्हील तो है ही, और फिर भाई उस तरफ है 2-3 कैसल, देखो कैसे कैसे कलर के हैं वो आप दिखेंगे आपको, थोड़ा कैमरा तो भाई ऐसा ही है। और एक ये टावर है मेन जो रंग बिरंगी बन जाएगी थोड़ी देर में, अभी ब्लू हो रखी है पूरी। तो ये है भाई रात का माहौल, भाई मेरे लिए अब ठंड अनबियरेबल हो रही है क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है और हाथ फ्रीज होए जा रहे हैं, ये ग्लव्स किसी काम के नहीं है भाई, मतलब ठीक है मतलब फ्रॉस्ट बाइट होने से बचा रहे हैं, पर वैसे मैं सही बताऊं तो ये बहुत ही बेसिक ग्लव है यार, इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो मेरे को वापस जाना ही पड़ेगा। बहुत ही मज़ा आया, 2-3 घंटे बहुत है यार फोटो वोटो खिंचवा के, अगर दोस्त वोस्त हो तो थोड़ा और ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो, मैं अकेला था तो 2-3 घंटे बहुत हैं, 1 घंटा सुबह देख लो 1 घंटा रात को, क्योंकि ज़्यादा भी भाई सर्दी में नहीं घूम सकते, ये तो अभी भी घूमने लग रहे हैं, सब देख लिया सारा मैंने कवर कर लिया लगभग, 2-3 घंटे में आप पूरा कर सकते हो। बच्चों के लिए है भाई, सही है बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा। कपड़े पहना के लाना बच्चों को, ऐसे ही मत ले आना भाई। ट्रेन की टिकट है 30 युआन की, तो मैंने खरीद ही ली, मैंने कहा ट्रेन में बैठ के घूमते हैं थोड़ी देर, चलो चलते हैं भाई। यहाँ बैठ गए सारे ट्रेन में, और विंडो सीट पकड़ लेना तभी आपको मजा आएगा, ये वाली विंडो खुली हुई है ठीक है, थोड़ा गर्मी भी है, अपने एक राउंड इसमें भी मार लेते हैं, इतना दूर आए हैं 30 युआन और सही। भाई ये लाइन पता नहीं किस चीज के लिए लगी है, मेरे को लग रहा है भाई ये लाइन टॉयलेट के लिए लगी है भाई, चीज के लगी है लाइन में, या यहाँ खाने का कोई रेस्टोरेंट है, इतने पागल तो नहीं है चाइनीज के ऐसे लग रहे हैं पता नहीं भाई, इतनी लंबी लाइन ये तो क्लियर ही नहीं होगी लग रहा है भाई। ये वाली भी स्लाइड है बहुत ही लंबी आ रही है वाली, तो इस स्लाइड के लगी लाइन भाई। मेरे को ना काफी सारे गोरे मिले थे लासा में, वो कह रहे थे आरविन में एक स्लाइड है जिसके लिए ना 2-2 घंटे की लाइन लगती है, मैंने कहा यहाँ तो लगी नहीं रही, इन स्लाइडों के लग नहीं रही थी भाई, उस स्लाइड के लिए इतनी लंबी लाइन थी भाई, मैं तो 2 घंटे तो नहीं लग सकता। खैर ठीक है स्लाइड अच्छी होगी, अब इस स्लाइड में भी मैं ढंग से नहीं आ पाया, फिर मन तो कर रहा है लगने का मेरा, सही बताऊं तो लाइन में भाई ये वाली है वो स्लाइड, देखो दूर से आ रहे हो, इसके लिए लाइन लगी पड़ी थी, वो इसके लिए लाइन लगी थी भाई वो। भाई ट्रेन बताऊं तो बिल्कुल वर्थ नहीं थी, पर अगर ये ट्रेन ना होती तो मेरे को पता ही ना चलता कि भाई वो स्लाइड है यार, भाई वहां तो जाना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा हूँ 2 घंटे लाइन में खड़ा होऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो 5:30 हुए हैं, हो जाएंगे जेब में हाथ डाल के खड़े यार, इतनी लंबी स्लाइड थी भाई वो, तो मैं तो उसी को लंबी समझ रहा था जिसकी मैंने रील डाल दी, अब एक और रील डालनी पड़ेगी। चलो चलते हैं भाई वहां चलते हैं भाई, स्लाइड के लिए तो बहुत लंबी लाइन है, 3 घंटे की कम से कम लाइन है, तो मैंने कहा रहने देते, पहले तो मैं लाइन में लग गया था, फिर मैंने कहा छोड़ो
क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो ये 3 घंटे की लाइन है, वहाँ है बड़ी स्लाइड, वो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया यार, इतना तो लगने का मतलब नहीं है। 3 घंटे में बहुत ऊपर तक लाइन है भाई, पता है पहले नीचे पार करोगे, फिर आप वो ऊपर बंदे खड़े देख रहे हो वो है, फिर उसके ऊपर देख रहे हो वो है, फिर आप वहां पहुंचोगे। इतनी लंबी स्लाइड है, स्लाइड में तो मजा आएगा यार, ये नो डाउट गारंटीड है, पर यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया 3 घंटे तो। भाई ये है वो वाली स्लाइड जिसके लिए आपको 3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, वहां से कहीं से शुरू होती है भाई, और फिर आप ऐसे आओगे। स्पीड में तो आप आते हो भाई, ये तो बात है कि मजे आ जाएंगे, पर आप मतलब आओगे तो एक ही बार कर पाओगे। ये देखो इतनी स्पीड में आओगे भाई आप, काफी स्पीड है ये, एक झूला सा देंगे उसमें बैठ के आना आपको। भाई हिम्मत करके लाइन में लग भी गया था मैं, पर 3 घंटे यार बहुत लंबा टाइम होता है। ये अगर आपको करनी है ना तो आप सुबह सुबह आना 10 बजे के करीब, जब ये खुलता है ओपनिंग टाइम देख लेना कितना बजे, 10 बजे शायद, तो 10 बजे आके लाइन में लगोगे ना, तब मेरे हिसाब से आप आधे पौने घंटे में एक बार इसको एंजॉय कर लोगे, और मेरे हिसाब से सुबह आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। भाई ये ऐसा एम्यूजमेंट पार्क था जिसमें मैं दोबारा भी आना चाहूँगा कभी ना कभी फ्यूचर में, और बड़ा ही मज़ा आया मेरे को यहाँ पे आके। चलते हैं होटल वापस, ये स्लाइड अगली बार करेंगे यार कभी फ्यूचर में, कोई नहीं। मेरे को तो लगा था यार पता नहीं क्या कह रहे हैं गोरे, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, 3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, मैंने कहा यहाँ तो उस स्लाइड में लगना ही नहीं, वही मेरे को इतनी लंबी लग रही थी। ये तो भाई कम से कम 1/2 किलोमीटर लंबी है भाई, कम से कम 1/2 किलोमीटर होगी, पता नहीं यार 350-400 मीटर होगी ये। ठीक है चलते हैं, इस वीडियो को रखते हैं तक। कैसा लगा आपको हार्बिन का स्नो फेस्टिवल, और आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई होटल जाने की अपनी टिकट आई सिर्फ 2 युआन की, और जब भी मौका मिले ना बड़ा नोट डाल के हमेशा चाइना में खुले करा लो, आपके बड़े काम आएंगे, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं वीचैट जैसे हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, खुले वापस नहीं देते। अब बस में ट्रैवल करोगे तो मेट्रो में तो वापस दे दिए, बस में 5 का डाल दिया ना, 2 की टिकट है तो आप चाहिए मान लो 5 का गया आपका, तो हमेशा खुले ले लो जहाँ भी मौका मिले चाइना।